हेलो दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ आपको DFM ओनली कि ये होता है डिजाइन फॉर मैनुफैक्चर। और भी DFM ये भी होता है, लेकिन मैं फिलहाल इसके बारे में बताना चाहूँगा। और उसके बाद भी काफ़ी मैं DFM ये भी बता सकता हूँ, इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा। और चलो इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप मोर अबाउट डिजाइन में आपका फिर से स्वागत है। मेरी वीडियो अगर अच्छी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस टाइप से आपको एक शीट देनी है पावर पॉइंट के अंदर। फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ ये, फिर हम इसके बाद हम ये खोलते हैं। इसमें आप ऊपर कंपनी का नाम डाल सकते हैं और साइड में लोगो लगा सकते हैं, पार्ट नेम, नंबर एंड डेट, किस डेट का बना रहे हो। इसमें आप यहाँ जाके पार्ट अपेयरेंस लिखा सकते हैं, पार्ट के व्यू रख सकते हैं, दोनों जितने भी है, तीन भी रख सकते हो, दो भी रख सकते हो, और जो भी आप लिखना चाहें उस पर लिख सकते हैं। और इसके बाद आता है जो आपका कोर हो, इंसर्ट हो, प्लास्टिक में भी यूज कर सकते हैं, कोर इंसर्ट सब में होता है, तो वो शो करा सकते हैं। ये मैंने इसको इसलिए हाईलाइट कर रखा है क्योंकि किसी के प्रोडक्ट, और ये होता है गेट पॉइंट का, गेट पॉइंट का दिखा सकते हैं इसमें। और यहाँ पर कंपनी लोगो और कंपनी का नाम ऊपर स्लाइड में, यहाँ पे इंग्रेविंग जो भी आपको पार्ट के ऊपर कुछ भी लिखना है वो यहाँ पे शो करा सकते हैं इस टाइप स्लाइड में। मतलब बहुत ही जी बनाना। और ये यहाँ पे मोल्ड का जो कंसेप्ट लेआउट वगैरह है सब PDF यहाँ पे लगा सकते हैं। देखा तो बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल है ये, और इसको बनाया जा सकता है आसान तरीके से। तो आई होप आप लोगों को भी समझ में आ चुका होगा कि मैंने इसलिए छुपाया है इन सबको कि किसी का प्रोडक्ट ना शो हो, बट बहुत ही आसान है। इस तरीके से बना के आप अपने इंटरनली यूज कर सकते हो। और इससे एडवांस भी DFM ये भी आता है, उसके बाद भी और भी कुछ है, वो भी मैं लेके आऊँगा धीरे धीरे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें इस टाइप की वीडियो पाने के लिए। और आई होप आपको समझ में आया होगा और आसान लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।